हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या जो लेबर वेलफेयर या एचआरएम का जो पार्ट है, इसका जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे पेपर सेकंड ऑफ दिसंबर 2009, इसका फोर्थ पार्ट यानी हम सॉल्व करेंगे। 38 तक हमने कर लिया था, आज से हम 31 से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। आई होप आपने इससे पहले वाली दोनों वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लीज़ वीडियो को विजिट करें। पेपर सॉल्व करने से बेटर ये होगा कि आपके एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, और सबसे अच्छा तरीका होता है नेट को क्वालिफाई करने का कि आप पेपर सॉल्व करें। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। इन्होंने बोला है कि इसमें से कौन सा क्या है जो लेबर लेजिस्लेशन नहीं है, ठीक है, क्या टाइप नहीं है लेबर लेजिस्लेशन के। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, पहले तो आप देख लीजिए कि क्या क्या है इसमें। प्रोटेक्टिव, तो लेबर लेजिस्लेशन आपका प्रोटेक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पे हम वर्कर्स की राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। देन रेगुलेटिव होता है क्योंकि हम डिसिप्लिन इन कोड ऑफ कंडक्ट बताते हैं। सोशल सिक्योरिटी वहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। फिर सोशल लेजिस्लेशन, तो आंसर इसका होगा सोशल लेजिस्लेशन, क्योंकि सोशल लेजिस्लेशन जैसी कोई भी चीज़ आपके लेबर लेजिस्लेशन में नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा डी, सोशल लेजिस्लेशन। अब ऑलरेडी यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की बात उन्होंने की हुई है, देन सोशल लेजिस्लेशन इज नथिंग, तो ये आपका डी आंसर होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ILO इज नॉट ट्रू। देखिए, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका जो आंसर है ये होगा डी। ओके, ILO रिकमेंडेशन आर कंपल्सरी बाइंडिंग इन नेचर, ये सही नहीं है। ILO की रिकमेंडेशन को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, तो ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ILO का ये एग्जाम्पल होगा, बट मैं जिस बुक को प्रेफर कर रही थी वहाँ पे आंसर कुछ और दिया हुआ था। तो इसमें दिया हुआ था कि ILO बिलीव नॉट ओनली इन पीपल बट एट वर्क बट ऑल्सो देयर डेवलपमेंट, तो ये तो बात सच्ची है कि वो डेवलपमेंट की बात करते हैं वहाँ पे पीपल की, इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी जर्नल्स एंड पब्लिकेशंस भी पब्लिश की हुई है। बट मेरे अकॉर्डिंग टू तो डी होना चाहिए, बट आंसर्स में सी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर आप में से किसी को भी आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और हमें बताइए कि क्या आंसर होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33। द अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट वॉज इंक्लूडेड इन ESI एक्ट सिंस, तो ये अगेन आपका एक ईयर वाला क्वेश्चन आ गया। ईयर वाले क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है। जब आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट था, ये ESI में अभी रिसेंटली हुआ है, ये 2005 में इसमें ऐड किया गया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं या आप याद कर सकते हैं। द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ एन एडल्ट वर्कर इन फैक्ट्री इंक्लूडिंग इंटरवल्स कैन नॉट बी मोर देन, तो जब आप फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ते हो तो उसमें पता चलता है कि किसी भी एडल्ट वर्कर की फैक्ट्री में इंटरवल्स के साथ वर्क पीरियड आपका 10 and a half hours के से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा बी। ओके, द वुमेन एम्प्लॉय आर नॉट एंटाइटल्ड टू आर नाउ एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी लीव अकॉर्डिंग टू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 फॉर द पीरियड ऑफ, कितने डेज की उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिलती है, तो आंसर आपका है इसका 180 डेज। ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे आपका ये हो गया कि फैक्ट्रीज आवर्स कितने होते हैं, तो 10 1/5 2 और यू कैन से 10.5 hours, ओके 10 and a half hours, तो ये हो गया। फिर आपकी मैटरनिटी लीव कितने डेज की होती है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये की फीचर्स है, की आस्पेक्ट्स है, तो ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, और यस, अगर आपको लगता है कि आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पूरा मुझे आपको बताना चाहिए, पूरा कवर कराना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, बताओ, मैं पूरा वीडियो बनाती हूँ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पे। बट आप अगर कमेंट करोगे तभी मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 पे। सो द फॉलोइंग यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स हैज़ बीन प्रिस्क्राइब अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, क्या यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स से जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, तो इसका आंसर जो है आपका ये आपका है बी। इसका जो आपका मतलब आंसर है वो है यूनियन शॉप सिस्टम, ये आपका यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में मेंशन है, या आप पढ़ सकते हो। जब आप पेमेंट यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स पढ़ते हो अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, तो आपको ये पता चलेगा। ऑब्जेक्शन मशीनरीज अंडर द इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947 शैल सबमिट देयर अवार्ड इन केस ऑफ इंडिविजुअल वर्कमैन विद इन द पीरियड ऑफ, अब आपको पता है एडजुडिकेशन मशीनरीज जो होती हैं अंडर द
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसके अंडर में कोई भी इंडिविजुअल वर्कमैन को अपना जो अवार्ड होता है वो उसको देना होता है, मतलब उनको देना होता है अवार्ड इंडिविजुअल वर्कमैन के लिए विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो ये बहुत ईजी है क्वेश्चन, ये बेसिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। अगर आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पे अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट। एंड या आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर करिए। अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमें और ज़्यादा व्यूवर्स मिलते हैं जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट करूँगी, और मतलब आपकी लाइव क्लासेस मैं स्टार्ट कर दूँगी लेना। हम हर संडे को उसे शेड्यूल कर सकते हैं लाइव क्लासेस, तो वो अच्छा रहेगा, टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा और इट विल बी बेटर फॉर बोथ ऑफ अस। तो आप बताइएगा कैसा आपको लगा ये आइडिया एंड लेट अस नो। ओके, सो आंसर क्वेश्चन 38, एन एम्प्लॉयर इंसिस्ट टू इंक्लूड सर्टेन सब्जेक्ट्स इन हिज ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर सर्टिफिकेशन बाय द सर्टिफाइंग ऑफिसर विच आर नाइदर कवर्ड बाय एनी आइटम ऑफ द शेड्यूल नॉर बाय द मॉडल इंडस्ट्री स्टैंडिंग ऑर्डर। अब इसमें बोल रहा है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी जो आपके स्टैंडर्ड ऑर्डर है उसमें नहीं है, मतलब ऐड नहीं है, तो क्या सर्टिफाइंग ऑफिसर अपनी तरफ से उन चीज़ों को ऐड कर सकता है? तो देखिए, किसी भी तरह के स्टैंडर्ड और स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो होती है, जो ऑलरेडी ड्राफ्टेड होती हैं, उसको कोई भी सर्टिफाइंग ऑफिसर चेंज नहीं कर सकता है। तो आपका आंसर होगा ही कैन नॉट डू सो, ओके बी। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। 39, विच इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेम्बर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेड यूनियन? तो आपको पता है 7 मेंबर्स होने चाहिए, बट जो रियल कंडीशन है वो आपकी ये है, 100 और 10%, बट नॉट लेस देन 7। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 100 और 10%, बट नॉट लेस देन 7। सी, मिनिमम वेजेस एक्ट 9। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एम्स टू, तो मिनिमम वेजेस एक्ट को क्यों बनाया गया था, इसका एम क्या था 1948 में जो इस्टेब्लिश किया गया था, इसका क्या बेसिक रीज़न था? तो लेट मी नो व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। इज़ इट पर मेंटेनिंग परचेजिंग पावर ऑफ वेज, और इट इज़ एनकरेजिंग वर्कर्स टू प्रोड्यूस मोर? इज़ इट टू चेक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स और पे वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क? तो जो आंसर है वो है मेंटेनिंग परचेजिंग पावर एक्ट, पावर ऑफ वेजेस। अगर आपको लगता है कोई और आंसर है तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट में बताइए, बिकॉज आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर अबाउट दिस। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या है। वेल, यही आंसर है, यही आंसर है आपका, बट आपको अगर लगता है कि कुछ और है, चेक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बाय एम्प्लॉयर है, तो लेट मी नो। ओके, सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।